मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिले में खस्ताहाल कुछ स्कूलों के लिए मरम्मत के कार्य हेतु लगभग 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और जिनके ठेके भोपाल के सेंट्रम ग्रुप को दिए गए हैं। पवई जनपद पंचायत अंतर्गत शासकीय विद्यालय भवन कुंवरपुर की मरम्मत का कार्य भी होना था। ठेकेदार के द्वारा जहां कक्षा संचालित हो रही है उन्हीं कमरों में 2 बड़े बड़े प्लर के आकार के गड्ढे खोद कर लगभग 1 महीने बाद भी काम नहीं किया। विद्यालय के बच्चों ने बताया कि खुदे हुए गड्ढे घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसी प्रकार का काम शिक्षा विभाग के द्वारा पन्ना जिले में गिने चुने स्कूलों में कराया गया, जिनमें मोहंद्रा के कन्या विद्यालय में छत की वाटर प्रूफ का काम, पोताई का काम किया गया। शासकीय हाई स्कूल दमोइया में छत के ऊपर वाटर प्रूफ का काम गुणवत्ता विहीन किया गया, ना ही कमरों की पोताई की गई है। इसके साथ ही कार्य आदेश पर अधूरे कार्यों के बावजूद प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर कर बिल भुगतान निकासी जारी कर दिया गया है। यह गड्ढा किसी कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा खोदा गया था। इसको खुदे हुए 1.5 महीने तक हो चुके हैं और इसके कारण हम छात्रों अथवा शिक्षकों को इसमें कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। बच्चे आते समय उसमें कई बार एक बच्चा गिर भी गया था, तो उससे वह चोटिल भी हो गया था। ये यहाँ पर एक्चुअली सर भी यहाँ की कमजोर है, इसलिए यहाँ पे फिलहाल के लिए गड्ढे खुदवाए हैं। कितने दिन से ये खुदा हुआ गड्ढा? लगभग 1 से 1.5 माह तक होने जा रहे हैं। होने जा रहे हैं। अभी इसके गड्ढे खोदने के बाद कोई काम हो रहा है इसमें कुछ आगे? नहीं, जब से गड्ढा खोदा तब से कोई काम नहीं हुआ। ये यहाँ पर 1 महीने करीबन ये गड्ढे खोद 1 महीने पहले खोदे गए थे। ये क्या है, यहाँ पर जब पानी बरसता है तो ये बीम क्या है लीकेज हो गई थी, तो इसके गिरने का डर है, तो इसलिए ठेकेदार के द्वारा ये गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन इसकी मरम्मत लगभग 1 महीने से नहीं हो पाई है। तो ये क्लास में हम लोग को आने जाने में, बच्चों को भी बैठने में समस्या आती है।